नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली जेके गवर्नमेंट जबले स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे संजवा आर्मी भर्ती के अपडेट्स के बारे में। आपको बता दें कि जहां पर आप लोगों की 10 फरवरी से भर्ती शुरू है, काफ़ी कैंडिडेट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं इस भर्ती को लेकर। आप लोगों को बता दें कि जय भर्ती, आप लोगों का एडमिट कार्ड आपके हाथ में है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से डिफेंस की यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रियल और ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी भर्ती कौन सी डेट को है। दोस्तों, आपको बता दें कि बेस्ट बुक कौन सी है इंडियन आर्मी के लिए, ये भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में ओवरऑल C2 ग्रेड का जो कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, आप परसेंटेज को लेकर यानी कि 45% का जो कंफ्यूजन है वो भी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको बता दें कि इस टाइम आप लोगों को प्रॉपर तरीके से फोकस करना पड़ेगा इस भर्ती को। बार बार आप लोगों को अपॉर्चुनिटी, बार बार मौके नहीं मिलते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 99 और 2000 की है, उनकी जो GD की लास्ट भर्ती है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी GD में होती है। टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 24,000 के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए आप लोगों ने अच्छी अगर तैयारी की है, जिसका टाइमिंग 5:50 जहाँ 5:45 तक भी आ रहा है, वो भी आसानी से अंदर आ सकते हैं। फिर भी अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी भर्ती एक यानी कि 20 फरवरी के बाद है, उनके पास भी अभी काफ़ी दिन है। इसलिए आपको बता दें, सबसे पहले चलते हैं बुक पर कि बुक कौन सी खरीदनी है। काफ़ी बच्चों ने खरीद भी ली होगी, NER की बुक होगी, SK की बुक होगी, क्योंकि उसमें लेंथ ही होता है सिलेबस। इंडियन आर्मी GD में काफ़ी बच्चे रेस भी क्लियर कर जाते हैं, बट आखिरकार फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों का रिटर्न रहता है। रिटर्न में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये आप लोग खास ध्यान रखें। इंडियन आर्मी GD की काफ़ी सारी वैकेंसी होती है, इसके चलते बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन रहता है। फिर बाकी काफ़ी बच्चों ने बड़ी बुक ली होगी, बट ये SK बुक्स दिख रही है, जहाँ पर SK श्री कृष्ण पब्लिशन PVD LTD लिखा हुआ है। प्रैक्टिस पेपर सेट इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी GD NER रिक्रूटमेंट टेस्ट जो 50 हैं, इसको साथ में आप लोगों को लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो GD का रहता है इसी में से आता है। अगर आप, आपको बता दें कि इसके साथ साथ अगर आप TA आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तभी भी इसका रिटर्न भी इस बुक से आता है, जो कि प्रैक्टिस सेट होता है। 100 रुपये का फिलहाल किसी भी मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ तो आप लोग ऑनलाइन तरीके से भी मंगवा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को रनिंग के साथ साथ रात को आधा घंटा या पौना घंटा आप लोग इस बुक को प्रॉपर तरीके से रीड करें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आने वाले एग्ज़ाम में। ये बुक सबसे बढ़िया बेस्ट हैं, बड़ी बुक भी साथ में लग सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई टॉपिक आप लोगों को कन्फ्यूज़न कर रहा है तो आप लोग उसका कंसेप्ट जो है प्रॉपर तरीके से बड़ी बुक में रीड कर सकते हैं। बट इसमें से जो सेट में से क्वेश्चन होते हैं, वहीं क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखते हैं। जिस सेट आपको टेक्निकल का भी मिल जाएगा, क्लर्क का भी मिल जाएगा, नर्सिंग असिस्टेंट्स का भी मिल जाएगा। बाकी कन्फ्यूज़न C2 ग्रेड को लेकर बताएं, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस कैंडिडेट की मार्कशीट ग्रेडिंग सिस्टम में है, यानी कि जो अभी आजकल मार्कशीटें आती हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम में होती है, उसमें उन्होंने लिखा गया है 10th क्लास मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स से होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर होने चाहिए। फॉर बोर्डिंग यानी कि जिनकी मार्कशीट ग्रेडिंग सिस्टम में है, उनका कम से कम मिनिमम D ग्रेड होना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में 33 से 40 के बीच में। D ग्रेड का मतलब होता है 33 से 40 में ही सब्जेक्ट, एंड ग्रेड विद कंटेन 33% एंड ओवरऑल C2 ग्रेड होना चाहिए। ओवरऑल C2 ग्रेड होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आप लोग इस परसेंटेज को कभी डीपली या प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे तो आप लोग प्रॉपर इसे समझ पाओगे, क्योंकि आपको क्लियर करवा दें, कम से कम आपका D ग्रेड होना चाहिए और ओवरऑल आपका C2 ग्रेड होना चाहिए, चाहे परसेंटेज आपकी 41 या 42 बने, आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स माने जाएंगे। अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर जाएं, आप लोग इसका पूरा फोटो कापी लेकर साथ में इंडियन आर्मी के ऑफिशियल को ये दिखा सकते हैं, आप लोगों को कोई भी आउट नहीं करेगा। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज है जम्मू कश्मीर में। ऑल द बेस्ट, हमारा काम आपको अपडेट्स करना है, गाइड करना है, और आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करें। अभी डिपेंड करता है कि आप लोगों की तैयारी किस तरह की है। लगातार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट पर हैं, और उन्हीं बच्चों के यहाँ पर फाइनल लिस्ट में नंबर आने की मैक्सिमम संभावना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका जस्ट ही सिलेक्शन BSF और CSF में हुआ है, लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए थे पिछले कुछ सालों से। जय हिंद।